हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। ये किचन टिप्स आपके समय और पैसे दोनों की बचत करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि एक छलनी की हेल्प से हम इंस्टेंट झाग वाली कॉफ़ी किस तरह से बना सकते हैं, वो भी बिना कोई मेहनत के। तो बिना स्किप किए वीडियो को प्लीज़ एंड तक वॉच करें। वीडियो ज़रा से भी यूज़फुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं पहली टिप की तरफ। तो पहली टिप में फ्रेंड्स, हम ले लेंगे एक बाउल और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब सरसों का तेल। इस सरसों के तेल से हम करेंगे पैर के तलवों में मालिश। सोने से पहले आप इस तरह से सरसों के तेल की मालिश अगर अपने पैर के तलवों में करोगे तो इससे आपको गजब के फायदे मिलेंगे। इससे आपके एड़ी जोड़ों के दर्द में बहुत ही आराम मिलता है, साथ ही साथ आपको नींद भी अच्छी आती है। आपके पैरों में जकड़न और सूजन जैसी समस्या भी दूर हो जाती है। आई होप टिप आपको यूजफुल लगी होगी। यूजफुल लगे तो एक लाइक करें। तो अगली टिप है फ्रेंड्स हमारी इस तरह की मूंगफली के दाने को लेके। फ्रेंड्स, गर्मियों के दिनों में हम लोग अक्सर सांभर इडली बनाते हैं जिसमें कि मूंगफली की चटनी हम अक्सर बनाते हैं। तो ये मूंगफली के जो दाने होते हैं गर्मियों में बाहर रखने से बहुत ही जल्दी ख़राब होने लगते हैं और इसमें फफूंदियाँ आ जाती हैं। या तो आप इसको तवे पे थोड़ी देर 1 मिनट के लिए रोस्ट कर सकते हैं। ठंडा होने के बाद एयर टाइट बॉक्स के अंदर रखकर आप इसको फ्रिज में रखें, और कच्चा भी अगर आप इसको रखते हैं तो भी आप इसको फ्रिज के अंदर ही रखें। इससे ये लंबे समय तक चलेगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आई होप ट्रिक आपको यूज़फुल लगी होगी। चलते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप में फ्रेंड्स, हम ले लेंगे 2 टेबलस्पून के करीब फ्रेश दही। आपको एकदम फ्रेश दही लेनी है, पुरानी दही नहीं लेनी है। तो अब इस दही में हम डालेंगे आधा टमाटर का रस। तो टमाटर आपको देसी वाला खट्टा वाला लेना है। इसको चाकू की हेल्प से हम इस तरह से बीच से कट कर लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा रस होता है तो आधा टमाटर ही हमें लेना है। तो आधा टमाटर हम इस तरह से निचोड़ लेंगे और इसका जितना भी रस है इसको इस दही में मिला लेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा बन गया है बहुत ही अच्छा टैनिंग रिमूवर स्क्रब, जो कि हमने एकदम नेचुरल तरीके से बनाया है। आप इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे अपनी स्किन पे या फेस पर कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर भी आपको टैन हो रखा है। तो ये आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग और शाइनी बनाएगा। साथ ही साथ अगर आपके फेस पर काले दाग धब्बे हैं उनको भी ये रिमूव करेगा, क्योंकि ये एकदम नेचुरल चीज़ों से बना हुआ है। तो नेचुरल रेमेडी ही हमारी बनकर तैयार हुई है, और इसको आपको एकदम फ्रेश ही अपने फेस पर अप्लाई करना है या कहीं भी स्किन पे, यानी कि इसको फ्रेश ही बनाना है और फ्रेश ही इसको यूज़ करना है। तो जब आप इसको अप्लाई कर देंगे हल्के हाथों से रब करने के बाद, इसको आप ड्राई होने दीजिए। उसके बाद जब ये पूरी तरह ड्राई हो जाए तो नॉर्मल तरीके से नॉर्मल पानी से आप इसको वॉश कर लीजिए। साबुन को यूज़ आपको नहीं करना है। 10-15 दिन कंटिन्यू यूज़ करने के बाद आपको अपने आप अपनी स्किन पर फ़र्क दिखने लगेगा। आई होप ट्रिक आपको यूज़फुल लगी होगी। हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप के लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, 1 गिलास में ले लेंगे नॉर्मल पानी और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब सौंफ। तो सौंफ आप कोई सी भी ले सकते हैं, मोटी या पतली, लेकिन ये ग्रीन वाली सौंफ ही आपको लेनी है। तो इस गिलास में 1 चम्मच सौंफ डालने के बाद अच्छे से पानी में इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम ओवरनाइट के लिए ढककर रख लेंगे और सुबह उठते ही मॉर्निंग में आप इसे छानकर पी लीजिए। ये जो पानी है हमारा बहुत ही अच्छा फैट कटर का काम करता है। अगर आपको गैस एसिडिटी बनती है या फिर आप अपने मोटापे से परेशान है तो आप रेगुलर इसको 15 दिन पी सकते हैं। इसे रेगुलर यूज़ करने से 15 दिन में ही आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा, आप बहुत लाइट फील करने लगेंगे। मॉर्निंग में आपका पेट भी अच्छे से साफ होगा और साथ ही साथ पेट से रिलेटिव दिक्कतें भी आपकी दूर होंगी इसके यूज़ से। आई होप टिप आपको यूज़फुल लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। तो अगली टिप भी फ्रेंड्स हमारे इस सौंफ को लेकर ही है। फ्रेंड्स, नॉर्मल सौंफ का पानी तो हम पीते ही हैं जिससे हमारा पेट साफ होता है और हमारा माउथ भी फ्रेश होता है। आप डेली भी इसको खाना खाने के बाद खा सकते हैं, इससे माउथ तो फ्रेश होता ही है साथ ही साथ आपका खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट होता है। और फ्रेंड्स, इस सौंफ को हम दूध में डालकर भी पियेंगे तो हमें बहुत ही फायदे मिलेंगे। दूध में आपको इसको उबालना है और 1 उबाल आने के बाद गैस ऑफ करने के बाद आप इसको पी सकते हैं। इससे आपका रंग धीरे धीरे गोरा होने लगेगा। मुंह से बदबू आने पर भी आप थोड़ी थोड़ी सौंफ मुंह में रख के चबा सकते हैं, इससे बदबू तुरंत गायब हो जाएगी। आई होप टिप आपको यूजफुल लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप बहुत खास होने वाली है फ्रेंड्स। हम बनाएंगे एक छलनी की हेल्प से झाग वाली कॉफ़ी, वो भी इंस्टेंट तरीके से। तो फ्रेंड्स, अक्सर मार्केट की तरह झाग वाली कॉफ़ी घर पर बनाकर पीने का हम लोगों का मन होता है, लेकिन इसे बनाना बहुत ही मेहनत का काम लगता है क्योंकि इसमें हाथों की मसल्स का ज़्यादा यूज़ होता है, यानी कि बहुत मेहनत से हमें चीनी और कॉफ़ी को एक साथ फेंटना होता है। अगर जिन लोगों के पास चॉपर या मिक्सी है वो तो इसको इजीली पीस सकते हैं, झाग वाला पेस्ट बना सकते हैं, क्योंकि मिक्सी और चॉपर को रुक रुक कर हम इसका
पेस्ट इजीली बना सकते हैं, लेकिन जिनके पास मिक्सी या चॉपर नहीं होता तो वो भी इस झाग वाली कॉफ़ी का एंजॉय कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि चाय की छलनी तो हम सबके घर में होती है। तो इस चाय की छलनी से हम बनाएंगे एकदम मार्केट स्टाइल क्रीमी झाग वाली कॉफ़ी। तो इसके लिए मैंने 3 पाउच इस तरह की कॉफ़ी के ले लिए हैं, ये इजीली हमें मार्केट में मिल जाते हैं, और वैसे ये मैगी के पैकेट के साथ आजकल फ्री में मिल रहे हैं। तो मेरे पास 3 स्मॉल पाउच कॉफ़ी के पड़े हैं जो मैगी के साथ ही फ्री में आए थे, तो इनका ही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने 3 पाउच को कट करके एक प्लेट में डाल लिया है। तो प्लेट हमें इस तरह की लेनी है गहरी वाली कि जिसके साइड में इस तरह की किनारी हो, तो आप थाली भी ले सकते हैं। और अब हम चीनी भी इसमें जितने हमने कॉफ़ी के पाउच डाले हैं उससे 2 टेबल स्पून ज़्यादा हम चीनी ऐड कर लेंगे, यानी कि 3 पाउच मैंने डाले हैं तो यहाँ पर 5 टेबल स्पून चीनी के मैं ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो कॉफ़ी जितनी आपने ली है उससे डबल क्वान्टिटी में चीनी भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो मैंने डबल से थोड़ा कम ही यहाँ पर ऐड किया है। और अब इन दोनों ही चीज़ के ऊपर हम डाल देंगे गरम गरम पानी, तो हमें डालना है 2 टेबल स्पून के करीब पानी। तो पानी बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है, तो ये मीडियम साइज़ का स्पून है, इससे नाप कर मैंने 2 टेबल स्पून गरम पानी इसमें डाल दिया है। और अब हमें कुछ नहीं करना, बस इस तरह से इस स्पून से इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हमें लेनी है चाय की छलनी। ये चाय की छलनी हम सभी के घर में होती है, चाय छानने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो इस चाय की छलनी को पहले हम हल्का सा गर्म पानी में डिप कर लेंगे, और उसके बाद इस मिक्सर के ऊपर इस तरह से राउंड राउंड घुमाएंगे। तो इस काम को बच्चे भी कर सकते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस इस तरीके से इस मिश्रण के ऊपर इस चाय की छलनी को हमें घुमाते जाना है, एक ही डायरेक्शन में हमें इस छलनी को घुमाना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जब जैसे जैसे मैं छलनी को इस मिश्रण के ऊपर घुमा रही हूँ, तो आप इसका कलर देख सकते हैं धीरे धीरे चेंज हो रहा है, बिल्कुल व्हाइट कलर का ये हो जाएगा। बस हमें लगातार इसको इसी तरह से मूव करते रहना है एक ही डायरेक्शन में, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, बहुत इजीली हम इस तरह से छन्नी को इसके ऊपर घुमा सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसका कलर एकदम क्रीमी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर कुछ भी आपको एडिट करके नहीं दिखा रही हूँ, एकदम लाइव मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से ही हमें इसको घुमाते जाना है। आप देख सकते हैं कि कॉफ़ी कितनी ज़्यादा क्रीमी फॉर्म में हो गई है। आपको 1 से 2 मिनट तक इसको इस तरह से कंटिन्यू हिलाते जाना है। आप देख सकते हैं जादू, आपकी जो कॉफ़ी है एकदम मार्केट स्टाइल क्रीमी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर आप बिजी हैं तो आप इस काम को करने के लिए बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चे भी आसानी से इस काम को हंसते हंसते करेंगे। तो बिना कोई मेहनत के आप इस तरह से इंस्टेंट झाग वाली क्रीमी कॉफ़ी बनाकर पी सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, या अपने गेस्ट को भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये कॉफ़ी फेंटते हुए मुझे अभी 1 मिनट ही हुआ है, और ये कॉफ़ी जो है पूरी तरह से चेंज हो गई है, एकदम क्रीम फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गई है। और इसकी क्वांटिटी भी इस तरह से फेंटते हुए डबल और ट्रिपल हो गई है, देख सकते हैं कितना ज़्यादा झाग इसमें बन गया है। इसीलिए मैंने इस तरह की थाली या प्लेट लेने को कहा था जिसके साइड में किनारी हो, ताकि आपका जो कॉफ़ी का क्रीमी फॉर्म हो ये इस प्लेट से बाहर ना गिरे, इस प्लेट के अंदर ही रहे। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, एकदम झाग वाली क्रीमी कॉफ़ी बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। अब आप इसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स के अंदर भरकर रख सकते हैं, और फ्रिज के अंदर ही आपको इसको स्टोर करके रखना है, बिना कोई मेहनत के, बिना कोई मिक्सी या चॉपर के आप इस छलनी की हेल्प से ही झाग वाली कॉफ़ी का मज़ा ले सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी इंस्टेंट झाग वाली कॉफ़ी बनकर रेडी है। इसे ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट तक ही हमें फेंटना है, तो आप इसका झाग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये फास्ट मोड पर आपको कर दिखाई है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आप इसको नॉर्मल तरीके से फेंट सकते हैं, और जेंटल हाथों से भी आप इसको फेंट सकते हैं, ये बहुत ईजीली क्रीमी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब कॉफ़ी तो हमारी बन चुकी है, तो चलिए मैं अब आपको सर्व करके दिखाती हूँ। मैं बना रही हूँ यहाँ पर कोल्ड कॉफ़ी। तो इसमें सबसे पहले आप इस क्रीम को इस तरह से स्पून में भर के पहले ग्लास के ऊपर अच्छे से गार्निश कर सकते हैं। आप नीचे बेस पर भी अच्छे से इस कॉफ़ी फ्लेवर क्रीम को इस तरह से ग्लास के ऊपर या नीचे दोनों साइड में लगा सकते हैं, अच्छे से गार्निश कर सकते हैं अपने ग्लास को। और अब मैं इसके ऊपर डालूंगी एकदम ठंडा दूध, क्योंकि फ्रेंड्स गर्मियों का टाइम है, तो आजकल सभी हॉट कॉफ़ी पीने की बजाय कोल्ड कॉफ़ी पीना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसीलिए मैं भी यहाँ पर कोल्ड कॉफ़ी बना रही हूँ। तो ये कोल्ड कॉफ़ी मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ, तो उसे कॉफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा ही कॉफ़ी का फ्लेवर मैंने डाला है नीचे बेस पर, और थोड़ा सा 1/2 टेबल स्पून के करीब मैं ऊपर डाल दूँगी। तो कॉफ़ी में ऑलरेडी चीनी मिक्स है, तो इसमें ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं लगता। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो थोड़ा सा शुगर पाउडर आप डाल सकते हैं, और ऊपर से आप डाल दीजिए कॉफ़ी पाउडर या कोको पाउडर। तो ये लीजिए हमारी बहुत ही टेस्टी क्रीमी झाग वाली
कोल्ड कॉफ़ी बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसके ऊपर आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। स्पून से अच्छे से मिक्स करने के बाद ठंडा ठंडा आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर दूध पहले से ही ठंडा था, फ्रिज में रखा हुआ था, तो इसीलिए मैंने इसमें आइस ऐड नहीं करी है। तो ये लीजिए, बहुत ही टेस्टी ठंडी ठंडी हमारी कोल्ड कॉफ़ी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं इसका झाग, और आप इसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स के अंदर भरकर रख सकते हैं। जब भी आपको इसको अपने गेस्ट को पिलानी हो तो आप इसको ठंडे दूध में या हॉट दूध में एक कप अच्छे से मिक्स कर दीजिए और अपने गेस्ट को इसको सर्व करिए। बहुत ही टेस्टी यम्मी आपकी झाग वाली कॉफ़ी बनकर तैयार हो जाती है। तो बिना किसी मेहनत के इंस्टेंट आप इसको बना सकते हैं केवल इस छलनी की हेल्प से। आई होप ट्रिक आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। टिप यूज़फुल लगी हो तो एक लाइक करें। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो जरा से भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।